क्वेश्चन नंबर वन इज ही डाइड फॉर हिज कंट्री। तो यहाँ पे सेंटेंस है और आपको पूछा है कि विच इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है। ऑप्शन है डी, ऑप्शन ए है डी, ऑप्शन बी डाइड फॉर, ऑप्शन सी हिज और ऑप्शन डी कंट्री। सो सब्जेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, ही है ना। तो ही है वो नाम नहीं है, तो नाउन है, तो ऑप्शन ए है करेक्ट ऑप्शन है। तो उसके ऊपर ऐसे टिक मार्क लगाना है, ए के ऊपर या फिर ऐसे इसके नीचे टिक मार्क लगा के अंडरलाइन भी कर देनी है। अगर आप कोई भी दो ऑप्शन है उसमें से बीच में ऐसे टिक मार्क लगाते हो तो कंफ्यूजन हो सकता है। सो आपको जो भी करेक्ट ऑप्शन है, सपोज ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है, तो उसके ऊपर ही आपको टिक मार्क लगाना है और साथ में ऑप्शन जो है उसके नीचे लाइन भी कर दो, तो कोई भी आंसर है वो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों के बीच में टिक मार्क लगाते हो तो इसके लिए टिक किया है या इसके लिए टिक किया है वो क्लियर नहीं होता है। सो मैंने जैसे यहाँ पे किया है ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है, तो ए के ऊपर ऐसे राइट है उसका टिक मार्क लगाना है और इसके नीचे आप लाइन भी कर सकते हो। ओके
rank of soldiers marched into battle.
And the sun shone bright.
एडवर्ब है आउट, आउट जब होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस को कर रहा है। ऑप्शन डी जो है आउट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 15 तक स्टॉप करते हैं, आगे ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो हम 16 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अब तक जितने लिखे हैं वो सब आपको रिवाइज करना है और रीड भी करना है। ओके सभी क्वेश्चन आंसर, सभी ऑप्शनल वन वर्ड के क्वेश्चन जो लिखे वो सब आपको रीड कर लेने हैं। सो राइट दीज इन